मंदिर में जब भी कोई व्यक्ति जाकर घंटी बजाता है तो उस ध्वनि को सुन के उसे आभास होता है कि उसका मन शांत हो रहा है, किंतु जब ये घंटी नहीं बजाई जाती तब कोई स्वर नहीं आता, जब वो स्थिर रहती है तब कोई स्वर नहीं आता, जब हम उसे पीटते हैं तब उसके अनु अनुनाद करते हैं, गतिमान होते हैं और तब जाके ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है जो हमारे आत्मा तक पहुंचती है और मन को शांत कर देती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये यदि आप जीवन में बंधे हैं तो रुकिए मत, स्थिर मत रहिए, गतिमान रहिए, प्रयास कीजिए, कभी भी रुकिए मत। उदाहरण दूं तो कोई व्यक्ति परिवार की डोर से बंधा हुआ है, कोई कर्म की डोर से, कोई मोह की डोर से। यदि आप बंधे हैं, उस बंधन से आप निकल भी नहीं सकते, तब भी प्रयास करते रहिए। लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते, तब भी प्रयास करते रहिए। अंततः आप एक मंदिर की घंटी की भांति किसी और को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की पुकार तो बन नहीं सकते हैं, जीवन में कुछ लाभदायक कर सकते हैं, किसी और का भला कर सकते हैं, प्रेरणा बन सकते हैं। जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यदि प्रयास करते रहोगे, तो यही प्रयास कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।